ध्यान से देखना, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12। रेशियो ऑफ करंट एसेट्स, रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज इज 1.5:1। आपको वैल्यू भी गिवन है और रेशियो भी गिवन है। अगर वैल्यू गिवन नहीं होती, आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन की 1.5:1 है, तो अगर हमें न्यूमेरिकली अज्यूम करना पड़े तो आप क्वेश्चन के वैल्यूज देखेंगे क्या है। आप उसको 15 लाख और 10 लाख ले सकते हैं, आप उसको 1 लाख 50 और 1 लाख ले सकते हैं, वो आगे जाके आएगा। जब गिवन है तो गिवन है ना, फिर थोड़ी ना अपनी मर्जी से अजम्पशन ले लेंगे। क्या गिवन है? करंट एसेट्स 3 लाख है, करंट लाइबिलिटीज 2 लाख है। अब क्या हुआ, द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो ऑफ 2:1 बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द करंट लाइबिलिटीज। ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, बट मतलब डिफरेंट क्वेश्चन। अभी आपका करंट रेशियो है 1.5:1। अकाउंटेंट को पता है कि आइडियल रेशियो है करंट रेशियो का 2:1। कह रहा है मैं 2:1 मेंटेन करना चाहता हूं। तो तरीके तो बहुत होते हैं, तरीके होते हैं कि आप करंट एसेट बढ़ा लो, आपका 1.5:1 है ना, तो या तो न्यूमरेटर बढ़ा लो किसी तरीके से विदाउट अफेक्टिंग द डिनोमिनेटर तो बढ़ जाएगा, या डिनोमिनेटर कम कर दो तो हो जाएगा। तो उसने कहा कि अच्छा बताओ, मेरे को एक आइडिया आया कि बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज, बाय पेइंग ऑफ क्रेडिटर्स, मैं ये रेशियो 2:1 करना चाहता हूँ, तो बताओ कैसे करूँ। क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक, अब मैं कर देता हूँ, ध्यान से देखें। अभी क्या है करंट रेशियो? 6 लाख और 4 लाख था, 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख 2 लाख, तो रेशियो है 1.5:1। क्या मेंटेन करना चाहते हो? 2:1। रिक्वायर्ड क्या है? 2:1। ध्यान से देखना, मजेदार क्वेश्चन। रिक्वायर्ड करंट रेशियो 2:1। तो करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, और आप चाहते हो ये हो जाए 2:1 बाय बाय पेइंग ऑफ करंट लाइबिलिटीज। लेट द पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स बी एक्स। तो अगर आप पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को एक्स, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? या भी कैश, जिसकी वजह से करंट एसेट्स कम हो जाएंगे, और क्रेडिटर्स, जिसकी वजह से करंट लाइबिलिटीज कम हो जाएंगी। ये है ना इंपैक्ट। अब ध्यान से देखना, करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अभी कितने हैं करंट एसेट्स? 3 लाख, करंट लाइबिलिटीज 2 लाख। कितनी पेमेंट करनी है? आफ्टर पेमेंट करंट एसेट्स हो जाएंगे 3 लाख माइनस एक्स, और करंट लाइबिलिटीज हो जाएंगी 2 लाख माइनस एक्स। बट ये पेमेंट करने के बाद करंट रेशियो क्या होना चाहिए? 2:1। अब इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 लाख माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, थ्री लाख माइनस एक्स इज 4 लाख माइनस 2x, 2x इधर आ गया, x इज इक्वल टू 1 लाख। सो लेट द पेमेंट मेड बी 1 लाख। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स विल बी 1 लाख। आफ्टर पेमेंट करंट एसेट्स क्या हो जाएंगे? 3 थे ना पहले, 2 लाख। करंट लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगी? 2 लाख। क्लियर? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज दैट शुड बी पेड। आंसर वहीं पे ही खत्म था। कंप्यूट
कभी होता है फिर कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट, तो वो फिर निकालते अगर मांगे होते हैं। मजेदार बट इजी, समझ आया क्या हुआ? चलो सर काफी आपने करा दिया, अब हम खुद करना चाहेंगे, ये भी ठीक है।